गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टी वी शोज आएंगी ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन राइट एंगल ट्रेंगल इसमें सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रेंगल लेनी है एंगल नाइन्टी डिग्री एंड अपोजिट टू नाइन्टी डिग्री इज द हाई नाइन्टी डिग्री अपोजिट जो साइड है वो हाई है एंड हाई इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी साइड अपोजिट टू एंगल ए ए सी इज दाइपोटेनियोस ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल एंड साइड ए बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए वी कॉल इट एडजन टू एंगल ए तो ये हो गई आपकी साइड एडजेसन टू एंगल एडजस्ट मीनस जो बिल्कुल साथ है इसके एक आर्म कॉमन है इसमें और ये हो गया आपका नाइनटी के अपोजिट हाइपोटेनियोस ये हो गई साइड अपोजिट टू एंगल ए तो सबसे पहले जो हमें इसमें टी रेशोज़ लेनी है वी हैव सिक्स टी रेशोज़ डिपेंडेंट ऑन राइट एंगल ट्र एंगल ए बी सी जो सिक्स टी रेशोज़ हैं वो क्या बनेंगी आपकी और कैसे फाइंड आउट करेंगे उन्हें तो सबसे पहले आ रहा है साइन ऑफ एंगल ए तो हमें क्या करना है एंगल ए को फिक्स करना है साइन ऑफ एंगल ए कोई भी राइट एंगल ट्रैंगल दे रखी है आपको और आप को साइन ऑफ एंगल ए सपोज दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी ये ध्यान रखना है जो भी एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं यहाँ ए के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं सी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगता है हमें जो एंगल होता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन बेस एंड हाई जहाँ पर एंगल है वो आपका बेस और हाई है तो साइन ऑफ एंगल ए अपोन बेस साइन को साइन टेंजेंट कैसे बने हुए हैं परपेंडिकुलर साइन होता है परपेंडिकुलर अपोन हाईपोर्ट एन्यूस बेस अपोन हाईपोर्ट एन्यूस एंड परपेंडिकुलर अपोन बेस साइन कोस एंड टेंजेंट इसको जनरल लैंग्वेज में इस तरह भी याद किया जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर पेंडिकुलर अपोन इज साइन बेस अपोन हाइपोटेज गोस पर पेंडिकुलर अपोन बेस इज टेंजेंट जो बाकी तीन रेशोज हैं वो इसका रेसिप्रोकल हो जाती है तो सबसे पहले आ रहा है साइन ऑफ एंगल ए साइन साइन क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाई परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी हाई क्या है ए सी तो ये हो गया बी सी अपोन ए सी नेक्स्ट है हमारे पास कोस कोस में क्या था हमारे पास बेस अपॉन हाई बेस इज ए बी हाई पोटेनिओस इज ए सी टेंजेंट ऑफ एंगल ए टेंजेंट में क्या था परपेंडिकुलर अपोन बेस इसको इसी तरह याद करना अगर याद नहीं होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो आपको ये याद रह जाएगा पी बी पी एच एच बी लेना है रेशियो में साइन कोस और टेंजेंट तो टेंजेंट बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन साइन का रेसीप्रोकल कर दें तो वो कॉसिकेंड होता है पी अपोन एच का बन जाएगा एच अपोन पी सीकेंट ऑफ एंगल ए इज रेसीप्रोकल ऑफ कोस कोस का रेसीप्रोकल हो जाएगा एच अपोन बी दैट इज ए सी अपोन ए बी कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज रेसीप्रोकल ऑफ टेंजेंट टेंजेंट का रेसीप्रोकल कर दें तो बीस अपोन परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपोन पी सी द रेशियोज डिफाइंड है साइन एक कोसी टेन ई कोसिकंड सीकेंड एंड कोट ई द रेशोज कॉसिकंड सीकेंड दीज आर रेस्पेक्टिवली द रेसी प्रोकल्स ऑफ साइन एक कोसे एंड टेन ए जो साइन कोस टेन का रेसीप्रोकल है वो है कॉसिकंड सीकेंड एंड कोट यानी अगर आपके पास ये तीन वैल्यू आ जाती हैं तो ये तीन आप इनकी रेसीप्रोकल से फाइंड आउट कर सकते हैं एब्रीविएशन है ये इनकी साइन कोस टेन कॉसिक एंड सिकिन कोस सेक एंड कोट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अट एगल एन अ राइट एंगल ट्रेंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड तो यहाँ से आपका एंगल और लेंथ ऑफ साइड रिलेशन आया यहाँ पर अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो बेस और हाईपोर्ट एन्यूज चेंज हो जाते हैं सपोज आप ये वाली ट्रेंगल ले रहे हैं आप वो साइन यहाँ हमने साइन ऑफ ए निकाले हैं सारे साइन को एक्सटेंजेड अगर आपको साइन ऑफ सी निकालना है तो यहाँ पर ये तो सेम ही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पर बेस चेंज हो जाएगा कैसे जो एंगल होता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस तो ये बेस हो गया आपका ये हाइपोटेनि हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा तो साइन सी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगी ए बी अपोन ए सी यानी आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है जो 90 के अपोजिट है लार्जेस्ट साइड जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाते हैं जो एंगल के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं बेस उसके साथ होता है क्योंकि एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज तो बेस यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा बाकी वैसे ही निकालने हैं कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो बेस कितना है यहाँ पर डीसी और हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पर ए यानी सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं साइन इज यूज एन एब्रीवियशन फॉर साइन ऑफ एंगल ई साइन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ ए साइन ई को आप सेपरेट नहीं कर सकते कि इसको साइन इन e लिख दें दिस इज़ रोंग दिस इज एब्रेविएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी ए बी इज गिवन बी सी इज गिवन वी हैव टू फाइंड साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी तो सबसे पहले ए बी और बी सी गिवन है तो थर्ड साइड निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रैंगल राइट एंगल डेट बी एंगल बी इज ऑफ नाइंटी डिग्री तो वो एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री आपको गिवन है ए बी और बी सी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्वायर ट्वेंटी फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर दैट इज सिक्स टू फाइव तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ सिक्स टू फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव तो ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अब हम साइन ए निकालेंगे जब आप ए निकाल रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है आपका तो ये बेस रहेगा और ये रहेगा और ये रहेगा तो साइन साइने क्या होता है हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर पेंडिकुलर सेवन हाईपोटेनि ट्वेंटी फाइव यह होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव जब आप साइन ऑफ सी निकाल रहे हैं तो आपका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा नेम वही रहेंगे नेम चेंज नहीं करने हैं जहाँ ए है बी है सी है, है पर आप सी निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका बेस और ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव कोस सी होता है बेस अपॉन हाई तो बेस क्या है यहाँ बी सी हाइपोटेन्यूस है ए सी बी सी अपॉन ए सी दैट इज सेवन अपॉन ट्वेंटी